अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम अपने जो घरों में एलईडी बल्ब लगे होते हैं वो आपको मरम्मत करना सिखाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने टांके लगाना सिखाया, जिन लोगों को टांके लगाना नहीं आते हैं अभी वो जाके सीख लें। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जिसकी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, 2018 का ये एक्सपायर हो गया है। अब इसे हम खुद रिपेयर कैसे करें, ठीक है, इसे पीछे कर देते हैं। ये हमारे पास बल्ब आ गया, आपने यूं पकड़ना इसे और खोल लेना, ठीक है, ढक्कन आपने साइड पर रख लेना है। अब आप अंदर देखें कि आपकी ये जो एलईडीज हैं ये जल चुकी हैं, ठीक है, एलईडीज जल चुकी हैं और बाकी बल्ब वैसे का वैसे ही है। अब इसे मरम्मत करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको उनका तारुफ करवा देता हूँ जी। सबसे पहले तो इसके अंदर जो ये वाली चिप है, इसके जो हिसाब से मैंने चिप चूज़ की है वो ये की है, उतनी चिपों वाली, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा सिस्टम है। इसका जो नीचे वाला ड्राइवर है वो इसके ऊपर ही लगा हुआ है, आपको आगे चल के समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देख लें, ये आ गया। उसके बाद पीछे की जानिब जो ये चूड़ी इसकी लगी हुई है वो ये ले लिया हमने, क्योंकि ये टूट जाएगी, अगर बच भी जाए तो ये वापस लगती नहीं है, ठीक है। ये आ गई, ये आ गई, 30 की ये, 5 का ये, 35 रुपए ये हो गए। उसके बाद आपने क्या लेना है, एक पेस्ट ले लेनी है, हीट सिंक पेस्ट है। काविया जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है, क्योंकि वो घर में छोटा मोटा ऐसे का काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसे कैसे रिपेयर करना है चलते हैं। सबसे पहले हमने अपना स्टैंड ले लिया, उसके ऊपर रख लिया हमने इसे बल्ब को। पीछे की तरफ हमने क्या करना है, एक मुँह वाला छोटा पेचकस ले लेना है और प्लास ले लेना है, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर रखना है इसे। या फिर आप अगर इसे बचाना चाहें तो बचा भी सकते हैं, इस तरह से आपको 5 रुपये बच जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल जल्दी जल्दी से इधर रख के, ये देखें नई साइड पे कर देता हूँ इसे। इसके ऊपर आपने यूँ कहीं भी रख के ऊपर से 1 2, ठीक है, रख दिया, सुराख हो गया। अब आपने इसे घुमा देना है, क्या घूम रहा है, ये देखें टूट गया। अब आपने एक नोज प्लास की मदद से इसे खोल लेना। तो जब तक मैं इसे खोल रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके वापस आ जाएं, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी तरफ से प्यार मिल जाता है। ये हम साइड पे कर देंगे, तो ये आ गया। अब हमने इसे इधर आके ऊपर से हमने इसे थोड़ा सा हिट कर लेना है, एक दफ़ा ये देखें 1, ठीक है, ये बाहर आ गई। इसे हमने पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बाहर आ गया, ये हमारे पास खाली है, बॉडी बच गई। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये चीज़ ये थी कि जो ये पीछे कैपेसिटर वगैरह इसके लगे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो सारा कुछ ये कैपेसिटर इन्होंने ऊपर कर दी, यानी कि ये डायरेक्ट हो गई है, ठीक है, ये आपने बात जहन में रख लेनी है। अब आपके पास ये आ गया, अब आपने देखना है कि ये अंदर फिट आ जाती है, तो भाई मेरी तो फिट आ गई है। अब आप अपना देख लें कि आपका क्या हिसाब किताब है, ठीक है, मेरी ये देखें इतनी अच्छी से फिट आ गई है। मैं क्या करूँगा, इसे उतार लूँगा, या उतर नहीं रही, अंदर फिक्स हो गई है, थोड़ा सा इसे पेचकस की मदद से उतार लूँगा। अब ये देखें इसे इधर रख के 2 तारें आपने ले लेनी है, 2 तारें कोई सी भी ले लें, लेकिन मैं एलईडी बल्ब के लिए स्पेशल तारें लाया हूँ। और अब इसे सोल्डरिंग करनी है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जिनों को काव्य से सोल्डरिंग नहीं करनी आती है वो मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर लें, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आप खुद से सोल्डरिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। ये देखें अब आपने क्या करना है, तार खोल ली मैंने सोल्डरिंग की और यहाँ से काव्य पकड़ लिया, काव्य मैंने गर्म कर लिया है, अब इसे कर देते हैं हम सोल्डरिंग। तो ये देखें मैंने सोल्ड कर दिए हैं दोनों तारें, अब इसे यहाँ से उठाएंगे और इस सुराख से पीछे की तरफ निकाल लेंगे, दूसरी को भी इस तरह अंदर करेंगे
और पीछे की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा सर्किट पूरा तैयार है, अब इसकी बस फिटिंग रह गई है, फिटिंग काट लेते हैं। तो ये देखें, जल्दी से इसे इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर जोड़ लेंगे। इसके अंदर जुड़ गया। अब देखिए पीछे की तरफ दो तार हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारी पिन है, पहले चूड़ी थी तो मैंने सोचा कि हम आपको पिन सिखाएं। तो ये दो जो तारें हैं वो दो सुराखों में डाल देनी है। ठीक है, ये देखें ये दो सुराखों से बाहर आ गई। अब आ जाता है मेन पॉइंट, ये होती है जी हमारे कारीगर के पास पंचिंग मशीन। ठीक है, जिससे इसे इसकी डाई के साथ जोड़ना है। ठीक है, अगर आपके पास ना तो कोई मसला नहीं, आप एल्फी का एक आधा ड्रॉप डाल के इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ये देखें इसके अंदर करके और एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। अब जहाँ से आप ये पिन खरीदेंगे उसके साथ ही आपको ये दो पिनें भी मिलेंगी। ठीक है, आपने अब क्या करना है कि थोड़ा सा इसे जो है ना, ये देखें थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ ले जाना है। अंदर की तरफ ले जाने के बाद ऊपर इस तरीके से पिन लगा देनी है, ईजी तरीके से। देखें अब ऊपर से थोड़ा सा किसी भी चीज़ से हिट कर लेंगे, दूसरी भी इस तरह लगा लेंगे। तो देखें दूसरा भी लग गया, हमारा बल्ब अब तैयार है जलने के लिए। तो पहले इसे चला के देख लेते हैं। तो मैं इसे चेक करने के लिए सीरीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें सीरीज मेरा पीछे वर्क कर रहा है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। लें जी, बल्ब हमारा तैयार है। ठीक है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने बल्ब तैयार किया है। आप पकड़ के इसके ऊपर शीशा लगा देना, तो ये हमारा बल्ब तैयार है। ठीक है, इसे दोबारा डिब्बे में डाल देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर देख जाना, ये आपके बड़े फ़ायदे किया। और भी ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए, यानी कि UPS मरम्मत, ओवन मरम्मत और किसी भी किस्म की चीज़ मरम्मत देखने के लिए हमारे चैनल को का विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।